हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ स्प्रिंग सुपरमार्केट और यहाँ से मुझे एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट देखना है ऑन बिहाफ ऑफ मेनी अदर फ्रेंड्स। और एयर फ्रायर ढूंढने की तलाश में मैं आई हूँ स्प्रिंग्स। बहुत सारी रिसर्च कर चुकी हूँ, बहुत सारी जगहों पर ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ मैं ले ही लूँ, ख़रीद ही लूँ, क्योंकि ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है जितना भी मैंने रिसर्च किया है। सो एक दो फ्रेंड्स की बर्थडेज भी आ रही हैं तो मुझे उनके लिए कार्ड्स लेने हैं, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। बहुत ही क्यूट से छोटे से इनके पास ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। कॉफ़ी की बहुत सारी वैरायटी है गाइस यहाँ पे, अगर आप मेरी तरह पागल हैं कॉफ़ी के पीछे। सो इंडोनेशिया की, श्रीलंका की, लंदन की, बहुत सारी जगहों की यहाँ पे कॉफ़ी है। अच्छा ब्रांड भी है, एक नॉर्मल अफोर्डेबल नेस्कैफे जैसा ब्रांड भी है। यूजुअली आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मैं नेस्कैफे गोल्ड पीती हूँ बिकॉज रोज़ाना मैं दिन में कोई 2-3 कप पी रही होती हूँ, बट दिस इज़ अ फैंसी वर्जन, दिस इज़ फॉर माई नेस्प्रेसो। और ये नेस्प्रेसो में लगता है और ये हमारी लोकल जो कॉफ़ी होती है, बट डेविड ऑफ से कहीं ज़्यादा बेहतर और कम प्राइस में मुझे लगता है कि नेस्कैफे, अगर आप गोल्ड ले लेंगे रोज़ाना पीने के लिए, अदरवाइज जस्ट गेट दोज कैप्सूल्स। नेस्कैफे गोल्ड है, बट यहाँ पे जो नेस्प्रेसो में लगने वाली कॉफीज होती हैं, यहाँ पे फ्लेवर्स आई एम जस्ट गोना पिक वन एंड गेट दैट। If you have an espresso machine at home, so ये नेस्प्रेसो आप जब लेते हैं तो एक आपको पड़ती है, यानी एक कप पड़ता है ऑलमोस्ट फॉर लाइक 350 रुपीज़, बट इट्स वर्थ इट। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज़ के, डिफरेंट फ्लेवर्स के। गाइज, अगर आपने लोकल चीज़ों में से ये विस्पी नहीं खाई ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग अमेजिंग। ये लोकल है बट इट्स वेरी क्रिस्पी एंड नाइस। और अब बारी है गाइस एयर फ्रायर लेने की, ये सो एक्साइटेड। वेस्ट पॉइंट है, फिलिप्स है, ब्लैक एंड डेकर है, ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी का है। 4 लीटर है। और अच्छा गाइस, मुझे 4 लीटर ही लेना है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं ब्लैक डेकर लूँ या मैं फिलिप्स लूँ, तो उन्होंने मुझे बताया ब्लैक डेकर। ये 4 लीटर नहीं है, ये कितने लीटर है? 2.5 लीटर का। अच्छा, मुझे इसकी प्राइस बता दें और इसकी प्राइस बता दें। 28,000 इसकी है और इसकी 27,000। ओह, एयर फ्रायर लेना है। एंड so today I'm finally getting it और I'm happy कि Philips की बजाय ब्लैक एंड डेकर ले रही हूँ, because that's actually a better company। मगर चेक करती हूँ पहले कि फील कैसी है। so this is the picture and if I like this I'm gonna get this one। साइज ऐसा है कि स्लैब पे रखा जा सकता है, नॉट लाइक ह्यूज। अगर मैं इसे छोटा चाह रही थी, बट माई ब्रदर वॉन्ट्स अस टू गेट 4 kg वाला। ओके, 4 लीटर वाला। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस चीज़ को खोलेगा कि ये वाला जो पार्ट है, अगर ये जिससे होता है ना सिल्वर सा होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है या ये? तो ये अच्छा है। ओके गाइस, आई थिंक बहुत रिसर्च में ऑलरेडी कर चुकी हूँ उस पर, तो मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। आई एम गेटिंग दिस ब्लैक एंड डेकर का एयर फ्रायर। हाँ, मैं अभी देखती हूँ, थोड़ी सी मैं स्केप्टिक थी कि जब निकलता है तो प्लास्टिक वाला पार्ट हो गया नहीं, जबकि इट हैज़ वारंटी। और स्प्रिंग्स पे लॉर्ड्स की भी काफ़ी वैरायटी है, सो इफ़ यू वांट टू गिव समवन अ प्रेजेंट जिनको स्पोर्ट्स का शौक हो, सो दिस इज़ आल्सो नाइस ऑप्शन। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट लाइक यू कैन जस्ट गेट समथिंग डिसेंट। गाइज, अभी भी मेरी फ्रेंड का गिफ्ट डिसाइड नहीं हुआ, तो स्प्रिंग्स के ऊपर ही इसी बिल्डिंग में मोमोसो है। इट्स लाइक मिनीसो, बट उसी तरह की चीज़ें होती हैं मोर और लेस। तो अब मैं देखती हूँ अगर मुझे मोमोसो पे कुछ अच्छा मिलता है तो। कलर, मैं ऊपर मोमोसो पे आई हूँ और मुझे ये कलर जो है वो पेन दिख गया है। इट्स वेरी नाइस, लुक एट दिस शेड।
फ्लिप फ्लॉप्स देख कर डिस्ट्रैक्ट होना मेरा बचपन का शौक है और मुझे कभी कभी अपना साइज मिलता है लाइक 41 किसका साइज होता है यार. सो ट्रैवल साइज फ्रीजर मैंने देखा है. जस्ट लुकिंग फॉर अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एंड इट्स वेरी क्यूट शी पिंक. सो ये मेरी लिस्ट ऑफ थिंग्स के जो मैं ले सकती हूँ उसके लिए वो आ गया है. गाइस ट्रैवल साइज फ्रीजर लेने से पहले मैंने सोचा कि ट्रैवल तो कहीं हो ही नहीं रहा, कोविड है, अब क्या ये कैसा गिफ्ट हुआ. सो मैंने नहीं लिया और अब मैं ऊपर आ गई हूँ टॉप फ्लोर पे. एज यू नो कि बाहर बैठना सिर्फ अलाउड है. तो बेसिकली दिस इज अ कैफे. अभी भी कैफे की एंट्रेंस भी दिखाती हूँ. एंड देर आर सम आइटम्स थोड़े एंटीक किस्म की रखी हुई चीज़ें खरीदने के लिए हैं. दे आर फॉर सेल एंड रियली नाइस रियली प्रीटी. सो अब मैं जाने लगी हूँ कैफे. ये कैफ़े रूफटॉप पे इन्होंने बनाया है. सच अ प्रिटी एम्बियंस. मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ रखती हूँ गाइस ताकि लोग बॉदर ना हो, लोग कैप्चर ना हो अनवांटेडली. सो दिस इज़ द व्यू. इट्स अ वेरी लाइक नाइस बेसिक थिंग. मौसम आज बहुत अच्छा है. यू नो नवंबर दिसंबर जान सही मंथ्स होते हैं घूमने फिरने के, रूफटॉप्स एंजॉय करने के. सो थोड़ी बहुत मुझे सर्दी भी लग रही है क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड आई नहीं थी सर्दी के लिए, बट आई एम लविंग इट. आई एम लविंग द चिली चिली मौसम. और मेन्यू देखें, मेन्यू बहुत अच्छा है इनका. ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है चीज़ें, दे आर अफोर्डेबल. एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि सूप पिया जाए. सो गाइज मैं आ गई हूँ रूफटॉप पे और बड़ा मज़ा आ रहा है. बहुत मज़े का मौसम है. हालांकि मेरे कपड़े ऐसे नहीं हैं जो कि सर्दियों में चलने चाहिए, बट लाइक एज यू कैन सी दरख्त वगैरह पत्ते शत्ते हिल रहे हैं तो हवा भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा. पर मुझे मज़ा आ रहा है. थोड़ी बहुत सर्दी है, सर्दियों का शुरू है तो इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है. और मैं सोच रही हूँ कि मैं सूप पीऊँ या फिर कुछ खाऊँ. एंड आई थिंक सूप इज़ अ वेरी गुड थिंग सर्दियों में बिकॉज वो ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं मिलती. और पीछे देखें इतना मज़े का एक एम्बियंस है. मास्क एक तो मेरा हर वक्त गिरता रहता है. सो या दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइस दैट व्हेन एवर आई गो टू एनी रेस्टोरेंट, मैं जब कभी अकेले बैठ के कुछ खा रही होती हूँ तो मेरी फेवरेट ऑथर है एलिजाबेथ गिलबर्ट और मुझे उसकी बात याद आती है दैट दिस इज सुपर लिबरेटिंग टू सिट बाय अ विंडो इन द रेस्टोरेंट टू ईट ऑल अलोन. हालांकि आई एम लाइक टू मच फॉर फैमिली टाइम और फैमिली के साथ खाना, बट अकेले खाने का भी एक अलग मज़ा है. एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आता है. यू जस्ट सिट देयर, कॉन्टेम्पलेट लाइफ, ऑब्जर्व पीपल. सो आई जस्ट लव दिस प्रोसेस. मुझे लगता है कराची सिटी में ही मैं अपने ही लिए एक टूरिस्ट की तरह बिहेव करती हूँ. आई थिंक मैं कैमरा ऐसे रख लेती हूँ सो दैट पीछे मैं लोगों को कैप्चर ना करूँ, प्राइवेसी किसी की भी इन्वेड ना करूँ. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज दैट वेन एवर यू आर कैप्चरिंग एनी वन, कोई वीडियो आप बना रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि लोगों की इजाज़त के बगैर उनके फेस पर जूम करके बिल्कुल वीडियो नहीं बनाएं. बिल्कुल एथिकल बात नहीं है ये. और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है आप कितने पोलाइट हैं, आपको कितनी तमीज़ है, मैनर्स हैं कितने आप में. तो कोई आपकी वीडियो में अगर नहीं आना चाह रहा तो इट्स नथिंग पर्सनल. और मेरा मुली गठानी सूप आ गया है.
सो गाइज दिस वॉज माई स्प्रिंग्स विजिट फॉर यू. फ्रेंड के लिए गिफ्ट तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे मेन काम मेरा हो गया, इंपॉर्टेंट काम, वो ये था कि मुझे एयर फ्रायर लेना था. उसके बाद फिर मैं फ्रॉम द स्क्रैच आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी. आई अनबॉक्स इट एंड आई लेट यू गाइज नो इफ आई लाइक इट. सो आज के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज. सी यू.